रामपुर लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर, जहां जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग सख्त है और लोगों से वोट बनवाने की और वोट डालने की अपील कर रहा है। इस पर सरकार के करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन उसके बावजूद एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसने अपना वोट बनवाने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट काट कर थक चुका। आखिरकार उसको हाई कोर्ट में दस्तक देनी पड़ी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखविंदर सिंह सीमा। क्या है पूरा मामला? मैं श्रीनगर गांव रहता था, वहां से मैं चुनाव भी लड़ चुका हूं, जिला पंचायत का मेंबर भी रह चुका हूं, इस टर्म से पिछले टर्म में कोऑपरेटिव का चेयरमैन भी रहा हूं दो बार नवाबगंज का। मैंने यहां से अप्लाई किया कि बीएलओ अहमदाबाद रहना चाहा मैं, वहाँ मुझे अच्छा लग रहा था कि वहाँ की पब्लिक मुझे अच्छा समझती थी, तो मैं और मेरी बीवी हम वहाँ चले गए। 23/9 में हमने बीएलओ को अप्लाई किया, तो भैया यहाँ से वोट कटे श्रीनगर से और यहाँ बननी चाहिए, लेकिन वो किसी कारण नहीं बनी। एसडीएम से मिले हम, तो एसडीएम ने बोला कि तुम्हारी वोट नहीं बन सकती है। उसके बाद फिर हम मैंने 11 महीने में अप्लाई किया, तो फिर भी नहीं बनी। क्या कह रहे हैं एसडीएम साहब? क्या कह रहे हैं? कह रहे नहीं, वहाँ तुम्हारी वोट नहीं बन सकती है, तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट वहाँ के हैं, ये यार वो है। मैंने कहा डॉक्यूमेंट तो जब वहाँ रहने लग जाएंगे, जब बाद में बनेंगे जाके, पहले थोड़ी बन जाएंगे कोई। तो आपने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया? फिर मैंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, फिर मेरा आधार कार्ड वहाँ का और बैंक कॉपी वहाँ की अहमदाबाद की बन गई, फिर मैंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहाँ से आदेश आ गया है कि नियमानुसार बनाई जाए, लेकिन कोई अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं है। तो आज डीएम साहब से मिलना है? आज डीएम साहब ने रात 10 बजे हमारे घर पे कुछ वहाँ से गए थे, मेरे घर पे अहमदाबाद में तहसील से, उन्होंने कहा कि डीएम साहब ने आपको बुलाया, कल अपना पक्ष रखो रात से। हाँ, तो हम आज पक्ष रखने आए हैं, अब क्या करते हैं वो उन पर डिपेंड करते हैं। ठीक।